हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर मैं रिपेयर करके दिखाऊंगा फिलिप्स जापा मॉडल का जो सीआरटी कलर किट है। तो ये चैसिस रिपेयर करके दिखाऊंगा दोस्तों। ये चैसिस भेजा है मेरा एक व्यूअर्स, बहुत दूर से मेरा पास लेके आया, एक साथ दो तीन पीस भी लेके आया। तो ये चैसिस रिपेयर करके दिखाऊंगा, जो कुछ प्रॉब्लम इसका अंदर आएगा पूरा कॉम्प्लीट आपको वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक कंटिन्यू वॉच कीजिए, जो कुछ प्रॉब्लम आएगा सभी मैं एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करके देखूंगा। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम को मैं रिपेयर करके ये वीडियो के अंदर देखूंगा। चलिए, चैसिस का आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो एक्चुअली वो बात है कि ये चैसिस का पावर प्रॉब्लम है, मतलब डेड सेट है। तो चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करके देखूंगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है। और ये चैसिस का अंदर जो ये एसटीआर पावर सप्लाई है, तो एसटीआर पावर सप्लाई और ये दोस्तों जो ईएसटी इसका अंदर है, ईएसटी स्टिकर नंबर क्लियर नहीं है। और इसका अंदर एक चीप प्रोसेसर है, इसी यहाँ पर है। और ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है, ठीक है। ये जो बेसबोर्ड, ये ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड है। तो ये पीसीबी रिपेयर करने का पहले अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा, आपको भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये पीसीबी उल्टा करके भी आपको एक बार दिखाता हूँ, आप देखिए इसका पीछे बहुत छोटा छोटा एसएमडी कंपोनेंट ये पीसीबी पर है, ठीक है। और ये मेन प्रोसेसर आईसी है। तो ये इसका पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है जो व्यूअर्स ने बताया। तो चलिए, पूरा कनेक्शन करने के बाद स्टेप बाई स्टेप चेक करके देखूँगा कि इसका प्रॉब्लम कौन पोजिशन से आ रहा है और किस तरह ये पीसीबी को रेडी किया जाता है। दोस्तों वीडियो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, तो ये प्रॉब्लम, इस चैसिस का जो प्रॉब्लम है आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, पूरा कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देखिए आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पीसीबी को थोड़ा सा सेट किया, बेस बोर्ड को मैं थोड़ा सा दूर रखा हूँ और ये निगेटिव कॉर्ड को ट्यूनर का साथ मैं कनेक्ट किया, क्योंकि निगेटिव पाने के लिए। और ईएसटी के आपको थोड़ा सा दूर मैं रखा हूँ, ठीक है। और एसी कॉर्ड मैं सिर्फ कनेक्शन किया। फर्स्ट क्या चेक करूंगा कि ये जो पावर सप्लाई ये ओके है कि नहीं। और मेनली पावर सप्लाई ओके होगा तो इसका ये एक दो तीन चार, चारों आउटपुट पॉइंट है, मतलब दो नेगेटिव है और दोनों इसका आउटपुट पॉइंट है। जो ये पावर मेन चॉपर है, चॉपर से दोनों पॉइंट से अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होगा। दोस्तों ये जो पॉइंट है, यहाँ से दोस्तों एक इधर रेजिस्टेंस है, हो सकता है कॉयल। और इसके बाद ये जो डायोड है, तो दोस्तों दोनों डायोड पैरेलल कनेक्शन है। ये डायोड से 110 वोल्ट आउटपुट होगा जो ईएसटी पर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो और ये सप्लाई लाइन का अंदर ये जो कॉयल है, और कॉयल का साथ ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है 110 वोल्ट लाइन का अंदर। और ये जो बीच में एक कॉयल है, कॉयल के बाद ये जो सप्लाई जा रहा है, तो दोस्तों ये ईएसटी सप्लाई का। तो ये एक सप्लाई आउटपुट पॉइंट है, और दोस्तों दोनों जो सप्लाई आउटपुट पॉइंट, ये एक कैपेसिटर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है। तो यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, वोल्टेज चेक करके देखता हूँ कि कौन पोजिशन पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो चलिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ, मैं सीरीज लाइन से हर टाइम टेस्ट करता हूँ। सप्लाई दे दिया। देने के बाद फर्स्ट क्या चेक करना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये डायोड पर ईएसटी सप्लाई देखिए अभी कुछ भी नहीं है, और ईएसटी पर सप्लाई कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये एक बात हो गया। और उसके बाद दूसरा सप्लाई यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ सप्लाई, ये देखिए यहाँ पर 7 वोल्ट का आसपास सप्लाई आ रहा है, ठीक है। मतलब सप्लाई आउटपुट हो रहा है, और इसका ईएसटी सप्लाई अभी आउटपुट नहीं हो रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ईएसटी सप्लाई क्यों नहीं आउटपुट हो रहा है, तो देखिए कुछ भी सप्लाई नहीं है। तो चलिए, सप्लाई का एक बार ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको एक वोल्टेज चेक करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको इसी टाइम जो वोल्टेज एक बार चेक करके देखाऊंगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेन जो पावर फिल्टर कैपेसिटर है वह पर चार्ज स्टोर रहता है कि नहीं, एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। दोस्तों ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यह पर देखिए 14 वोल्ट का आसपास देखिए दोस्तों स्टोर है, 14 वोल्ट के आसपास। मतलब पावर सप्लाई जब ओके होगा तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट का अंदर आसपास यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर वोल्टेज स्टोर रहता है। तो दोस्तों मतलब इसका पावर सेक्शन ओके लग रहा है। जब पावर सेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसका अंदर हाई वोल्टेज स्टोर रह जाता है, ठीक है। बट कुछ भी हाई वोल्टेज स्टोर नहीं है, तो इसका मतलब कि हो सकता है पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ फॉल्ट है।
तो ये डाइट पर सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? एक बार ये डाइट से इसका नेगेटिव को एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कि ये डाइट से नेगेटिव शॉर्ट है कि नहीं है। तो इसलिए मीटर को क्वांटिटेटिव मोड पर रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मीटर को क्वांटिटेटिव मोड पर रखा हूँ और ये जो डाइट का पॉजिटिव लाइन है यह से जो नेगेटिव है, तो दोस्तों ये नेगेटिव लाइन है, यहाँ पर एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों शॉर्टिंग है, सॉरी ये ना, ये पॉइंट से चेक करके देखना पड़ेगा। डाइट का पॉजिटिव जो लाइन है यहाँ से जो नेगेटिव है, नेगेटिव पर शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा। नेगेटिव पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, तो क्वाड को घुमा के भी एक बार देखना पड़ेगा कि सप्लाई लाइन का साथ ये नेगेटिव कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो ये जो पॉइंट है डायोड का इनपुट, ये कॉइल है, ये कॉइल का साथ ये जो आउटपुट, यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है 110 वोल्ट, इसका साथ जो कॉइल, इसका अंदर चॉपर कॉइल का कनेक्शन है, ये नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ से नेगेटिव शो होगा। ठीक है, यहाँ से जो क्वांटिटी शो होगा, ऐसा नहीं है कि इसका लाइन शॉर्ट है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का अंदर कॉइल है। ठीक है, तो इसीलिए चॉपर का सभी पिन शॉर्टिंग दिखाएगा। मिले न्यू टेक्नीशियन को मन में डाउट चलेगा कि चॉपल कॉइल शॉर्ट है कि नहीं। ना दोस्तों, चॉपल कॉइल शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या देखा है, इसका आउटपुट वोल्टेज नहीं है, मतलब 110 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है। तो आपको अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा कि इसका साथ आपको बताना चाहता हूँ, अधिकतर क्या होता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से ये डायोड से नेगेटिव शॉर्ट दिखाएगा। तो ये नेगेटिव से शॉर्ट नहीं है, तो मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है। तो इसका और क्या है, तो देखिए आप खुद ही देखिए, आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है और ये कलेक्टर एमिटर शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि इसका अंदर जो ड्राइवर कॉइल है, ड्राइवर कॉइल का क्वांटिटी देखा जाता है। दोस्तों अच्छा करके देखना पड़ेगा कि डायोड फॉल्ट हो जाएगा, तो ये डायोड फॉल्ट हो जाएगा तो वोल्टेज तो कभी आउटपुट नहीं होगा। शॉर्ट तो मैं चेक किया, शॉर्ट तो नहीं है, तो ये डायोड को अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो पीसीबी को मैं उल्टा किया, उल्टा करने के बाद यहाँ पर आप फॉलो कीजिए, और ये जो दो डायोड है, ये दो पैरेलल डायोड है। ठीक है, ये डायोड से सप्लाई ESD पर जाता है। ठीक है, तो ये जो दो डायोड है, डायट को अच्छा, ये देखिए दोस्तों, डायट को अच्छा करके देखने के बाद देखिए डायट का एक साइड टंग टूट गया, ये देखिए ये टंग टूट गया। और ये डायट को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एक डायट खराब हो जाएगा तो एक डायट से सप्लाई आउटपुट होगा, बट देखिए दोस्तों ये डायट का टंग भी टूट गया। देखिए तो ये ESD सप्लाई का डायट है, तो यहाँ पर ESD सप्लाई डायट लगाना पड़ेगा। ये फिलिप्स का सेट है, इसका अंदर अलग सा डायट है, तो आप को एक अच्छा सा डायोड लगाना पड़ेगा। चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास कौन सा डायोड है। ठीक है, यहाँ पर एक डायोड भी लगा सकते हो, दो डायोड भी लगा सकते हो। डायोड लगाने के बाद आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरे पास कौन सा डायोड है। तो दोस्तों मैं ढूंढ के देखा, ये फिलिप्स का सेट से एक पुराना वाला ESD सप्लाई डायोड को मैं बाहर किया। ये डायोड का नंबर RU3, ठीक है, RU3। तो दोस्तों ये RU3, ये जो डायोड है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला डायोड है। तो ये डायोड मैं यहाँ पर लगा के एक बार देखूँगा कि क्या सप्लाई ESD सप्लाई बनता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपका सामने एक बार लगाता हूँ, लगाने के बाद सप्लाई देके एक बार देखूँगा, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों ये डायोड को मैं सोल्डरिंग कर दिया। ठीक है, और ESD हो सकता है ESD बन जाएगा, तो इसलिए ESD ये जो कैप है, ये कैप को थोड़ा सा दूर, मतलब कुछ दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, और बेसबोर्ड PCB के साथ टच ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और चलिए मीटर को फिर भी एक बार सेट करना पड़ेगा, मीटर को सेट करके, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ESD बन रहा है कि नहीं, ESD सप्लाई बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मीटर कॉइल को ट्यूनर का नेगेटिव के साथ मैं कनेक्ट किया, तो चलिए सप्लाई देके दिखाता हूँ, मैं सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, सप्लाई देने का पहले
पावर स्विच ऑफ हो गया, तो मैं सप्लाई दे दिया। अब देखिए इसका ESD सप्लाई अभी बन रहा है, बट ये अप डाउन हो रहा है। ESD सप्लाई कितना है ये देखिए, 60, 70, 80, 90 ये हो रहा है और वोल्टेज अप डाउन कर रहा है, मतलब इसका कुछ प्रॉब्लम है, सप्लाई आउटपुट हो रहा है। और यहाँ पर जो सप्लाई आना चाहिए देखिए, अभी 11 वोल्ट जा रहा है और ये भी अप डाउन हो रहा है। अब अच्छा करके देखिए, अप डाउन हो रहा है। और सीरीज लाइन से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अब देखिए सीरीज बल्ब इस तरह ये अप डाउन हो रहा है, मतलब इसका आउटपुट सेक्शन का कुछ शॉर्ट हो सकता है। तो अच्छा करके एक बार चेक करके देखना पड़ेगा कौन पोजीशन शॉर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको देखूँगा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। आप सीरीज लैंप को फॉलो कर सकते हो, इसी तरह ही हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक्चुअली ये कौन पोजीशन का प्रॉब्लम है, ये कॉन्फर्म करने के लिए जो मैं बहुत PCB का अंदर जिस तरीका यूज़ करता हूँ कि एक 100 वाट बल्ब लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 100 वाट बल्ब है और ये 100 वाट बल्ब लेने के बाद आपको इस तरह ESD सप्लाई के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो ESD सप्लाई है ये डायोड से वोल्टेज आउटपुट होता है और ये लाइन से जो वोल्टेज जा रहा है आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार। आप अच्छा करके एक बार देखिए कि ये जो ESD सप्लाई लाइन है यहाँ से एक कॉइल है, ठीक है, रेजिस्टेंस जैसा एक ग्रीन वाला कॉइल ओरिजिनल होगा तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं सप्लाई का ओपन कर दिया, ये ESD सप्लाई लाइन का ओपन कर दिया, मतलब ये डायोड का बाद यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव है और ये सप्लाई लाइन का। तो ये सप्लाई लाइन का, ये जो सप्लाई लाइन का अंदर कनेक्शन किया और नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया 100 वाट बल्ब, ESD सप्लाई को मैं ओपन कर दिया। अभी एक बार देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है। तो चलिए मैं एक बार आपको कन्फर्म कराता हूँ कि करके दिखाता हूँ कि वोल्टेज प्रॉपर वोल्ट फिक्स्ड वोल्ट बनता है कि नहीं, ठीक है। ESD सप्लाई फिक्स्ड होना चाहिए, तो उसका बाद अलग अलग कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। आप मीटर पर ध्यान दीजिए और चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया और ये बल्ब देखिए आउटपुट बल्ब ओके बिल्कुल जल रहा है, कुछ भी अप डाउन नहीं है। बट फर्स्ट टाइम ESD दोस्तों अप डाउन हो रहा था। तो अभी कितना वोल्ट है यहाँ पर, अभी यहाँ पर कितना वोल्ट है अभी दोस्तों देखिए, 96-97 वोल्ट का आसपास ESD सप्लाई ये बन रहा है। दोस्तों ये चैसिस का फिलिप्स, ये जापा जो चैसिस है इसका ESD सप्लाई इतना ही होता है, 97 वोल्ट का आसपास। तो आप देखिए फिक्स्ड वोल्ट है 97 वोल्ट, कुछ भी फ्रैक्चरेड नहीं है। अब मीटर पर एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है, 96-97 वोल्ट ये फिक्स्ड है। और आप यहाँ पर जो सप्लाई फर्स्ट टाइम फ्रैक्चरेड आपको दिखाया, यहाँ पर देखिए 13 वोल्ट फिक्स्ड है, ठीक है, कुछ भी फ्रैक्चरेड नहीं है, मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है जो आपको फर्स्ट टाइम बताया। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका आउटपुट सेक्शन। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको दोबारा क्लियर करके मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा कि एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम कौन कौन पोजीशन से और हो सकता है। तो दोस्तों इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ओके है क्योंकि ESD बन रहा है, और ये जब ESD बनता है तो एक बार ऑन ऑफ इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो ESD कंटिन्यू नहीं बन रहा है, ठीक है, ESD कंटिन्यू जब बन जाएगा उसका बाद PCB को मैं पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट करके देखूंगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगा ये चैसिस रिपेयर करने के लिए, ठीक है, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। फाइनली दोस्तों ये चैसिस का ESD को मैं बाहर किया, ESD नंबर आपको एक बार दिखाने जाता हूँ। ESD नंबर आप एक बार देखिए कौन सा नंबर का ESD है, 3321201, ठीक है, और उसका ऊपर लिखा है 2094। तो इसी तरह सेम नंबर का ESD मेरा पास है, आप देख सकते हो ये सेम नंबर का ESD है 2094, और नीचे जो नंबर लिखा है 3321201, ठीक है। तो ये ESD यहाँ पर मैं लगाऊंगा, लगाने के बाद एक बार देखूंगा कि क्या रिजल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो ESD को मैं अभी ओपन किया, ये ESD को मैं साइड कर देता हूँ, करने के बाद ये ESD यहाँ पर लगाने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पूरा न्यू ESD है दोस्तों, ये पुराना ESD है और मैं न्यू ESD लगाया, आप देखिए
न्यू ईएसटी लगाने का बाद, इसलिए मैं ये बाहर से एक बार सप्लाई देके आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, इसलिए मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए अभी मैं सप्लाई एक बार दे देता हूँ सीरीज लाइन से। देखिए दोस्तों, सप्लाई दे दिया, सीरीज बल्ब देखिए अप डाउन नहीं हो रहा है, और इसका ईएसटी सप्लाई अभी कितना है देखिए, 96 वोल्ट प्रॉपर है, और इसका वर्टिकल सप्लाई भी बन गया देखिए, 13 वोल्ट फिक्स्ड है। बट दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा तुरंत, ठीक है। ये देखिए स्टैंड बाई मोड पर चला गया, ये दोबारा आपको सप्लाई ऑफ करना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ करके फिर भी सप्लाई देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैसिस है, ये चैसिस पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब जो योक कॉइल है सब कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना अपने स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे दिया, फिर भी ईएसटी बन गया, ईएसटी इसका 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है, 153 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि योक कॉइल कनेक्शन अभी नहीं है, तो इसका ईएसटी बन गया और कुछ भी अप डाउन नहीं है, और देखिए फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए दोस्तों मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद ये पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद भी एक बार आपको दिखाऊंगा कि इसका पिक्चर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसका पहले चलिए मैं आपको कन्फर्म कराता हूँ कि देखिए ये मैं न्यू ईएसटी लगाया, न्यू ईएसटी लगाने के बाद तो दोस्तों देखिए इसका न्यू ईएसटी है, ठीक है। तो चलिए पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी को ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉइल को मैं कनेक्शन किया, और ऑडियो वीडियो सिग्नल दे दिया, और ये नॉर्मल सा एक पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद जब मैं सप्लाई दे दिया तो इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए इसका पिक्चर देखिए बिल्कुल ओके चल रहा है। तो चलिए एक बार साउंड भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है, इसका पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों ये जो जिस दोस्त का पीसीबी है, मैं बताना चाहता हूँ, अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी अच्छा करके देखिए, अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाने के बाद क्या होगा कि ये सेट ऑन होने के बाद फिर भी स्टैंड बाई मोड पर जा सकता है, क्योंकि इसका जो रीजन है कि ईएसटी का ये जो नीचे वाला, ठीक है, स्क्रीन कंट्रोल जो ये जो फोकसिंग कंट्रोल है, ठीक है, ये जो नीचे वाला कंट्रोल आपको घुमा के एडजस्ट करना पड़ेगा लाइट को, ठीक है, नहीं तो फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो ईएसटी है, ईएसटी की जो नीचे वाला पिन, इसको घुमा के, ठीक है, आपको सही से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पिक्चर का क्वालिटी अच्छा रखने के लिए ये पिन भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा हिसाब से ये जो पिक्चर ट्यूब है, इसका हिसाब से मैं ये एडजस्ट कर दिया, बट अलग अलग पिक्चर ट्यूब होगा तो अलग से एडजस्ट करना हो सकता है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये फोकस्ड कंट्रोल और स्क्रीन कंट्रोल को दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये स्टैंड बाई मोड पर नहीं जा रहा है, तो चलिए आपको और एक बार वोल्टेज कन्फर्म कराता हूँ कि अभी 180 वोल्ट लाइन पर जो कितना वोल्ट है, ये 180 वोल्ट लाइन है, यहाँ पर देखिए 186 वोल्ट है। तो अलग अलग योक कॉइल के ऊपर ये वोल्टेज डिपेंड करेगा, ठीक है। और चलिए इसका वर्टिकल सप्लाई भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये जो वर्टिकल आईसी है, यहाँ पर सप्लाई देखिए 13 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, ये कुछ भी फ्रैक्चर्ड नहीं है, अप डाउन नहीं है। और इसका ईएसटी सप्लाई आपको लास्ट में एक बार दिखाना चाहता हूँ, इसका ईएसटी सप्लाई देखिए 95 वोल्ट, ठीक है, कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं लॉन्ग टाइम चला के देखा और उसके बाद आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।